जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम शुरू कर चुके हैं पेज मेकर सीखना, और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे और एडवांस लेवल में पेज मेकर में कैसे काम किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगा। यहाँ से न्यू फाइल ओपन करने के बाद यहाँ से मैं अपना पेपर साइज सेट करूँगा, टेल या वाइड लेना है वो भी साइड सेट कर लूँगा, डबल साइड फेसिंग जो भी मुझे करना है यहाँ से मैं सारा सेट कर लूँगा। वो आप पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे जूम। एक पेज पे काम करते वक्त आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को जूम कर सकते हैं और उनके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे कि मैं देखता हूँ जूम, तो सबसे पहले तो जूम का ऑप्शन अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ही मिल जाएगा। इसके बाद इसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से खिसका सकते हैं, ऐसे आपको इसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पेज यहाँ दिखेगा ही नहीं, तो आप राइट क्लिक करके वापस से इसको 100% करेंगे, और 100% क्लिक करने पे भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, Ctrl 0, Ctrl 0 दबाएंगे आप, वैसे ही ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो जूम को करने के लिए, जैसे Ctrl 1, Ctrl 2 बड़ा हो जाएगा, वापस से Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2, कौन सा वाला, नंबरिंग की वाला यूज़ नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, यूज़ ले रहा हूँ जो आपके कीबोर्ड यानी कि जहाँ ABCD लिखी होती है उसके ऊपर और एक नंबरिंग कीज लिखी होती है 1 2 3, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, @#, ये वाले नंबरिंग टू काम में ले रहा हूँ, यानी कि Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 0, और Ctrl- यदि दबाऊंगा तो ये छोटा होता चला जाएगा, और Ctrl+ यदि दबाऊंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। और अगर आप मान लो इस जगह काम कर रहे हैं या आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली पेज को पकड़ के इधर उधर खिसकाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको दबाना है ऑल्ट, और ऑल्ट के साथ आप जैसे ही माउस के क्लिक करके इसको इधर उधर खिसकाएंगे, ये आपके पेज को इधर उधर खिसकाएगा बिना इस एंड टूल की सहायता से, समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऑल्ट को प्रेस करके रखिए और जहाँ भी पेज को खिसकाना चाहते हैं वहाँ पे इसको खिसका सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम और चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, मान लो सबसे पहले मैं एक इमेज के साथ आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मान लो मैं सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब इंसर्ट इमेज यहाँ से कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट, मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इमेज में गया, ये मेरी इमेज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ बीच में इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ आप गौर से देखेंगे, यहाँ पेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो होता है ये सेलेक्ट कर्सर के साथ, और एक होता है टेक्स्ट कर्सर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो अगर जब भी हम टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे तो ये केवल एक ही जगह फिक्स हो जाएगा, जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट फिक्स हो जाता है। और अगर मैं इसको यहाँ से करके इसको बी कर दूंगा, ये कह रहा है कैन नॉट रीड द अवेलेबल कॉर्पोरेट फॉर्मेट, तो हम क्या करेंगे इसको इसको यहाँ से क्या करेंगे, एड ऑफ फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही एड ऑफ फोटोशॉप में हम ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद जब ये एड ऑफ फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी, तो काफ़ी बार क्या होता है फाइल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इमेज साइज में जाएंगे और जो रिजोल्यूशन 300, इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसको 100 कर देंगे। 100 करने के बाद कंट्रोल ऑल कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अभी भी ये कह रहा है एड ऑफ फोटोशॉप इमेज इज टू बिग, अगर ये और भी बड़ी है तो हम क्या करेंगे इसको अभी और छोटा यहाँ से करेंगे, और छोटा करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इमेज साइज में जाएंगे और इसको मान लो हम 30 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल ऑल किया, कॉपी किया, और यहाँ इसको हमने पेस्ट कर लिया, देखिए ये आ गई आपके सामने इमेज। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको डोंट सेव कर दूंगा वरना मेरी इमेज सेव हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ Ctrl- के साथ, और ऑल्ट दबा के पेज को थोड़ा सा इधर उधर खिसका लेता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। इमेज एडजस्ट करने के दो तरीके, अगर आप अपने हिसाब से इसको इधर उधर खींचेंगे तो ये बिल्कुल इधर उधर घूम जाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन आप शिफ्ट दबा के अगर इसके साथ काम करेंगे ना, तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, बिल्कुल एक सेम साइज में, जितनी हाइट है उसी के अनुपात में आपकी विड्थ भी बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको एडजस्ट तो कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। क्रॉप करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से आएंगे, क्रॉप करेंगे, और आप जितनी साइज को क्रॉप करना चाहते हैं उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। जितनी भी फाइल साइज आपको करनी है उसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये सीधा क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप होने के बाद आप इसको अगर राउंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से आप चाहते हैं वो यहाँ से राउंड भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल बनाने के वही दो तरीके। अगर आप सिंपल रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन आप इसको स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे, और शिफ्ट के साथ जब इस पर काम करेंगे तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आप यहाँ सर्कल लेना चाहते हैं, अगर सर्कल टेढ़ा वेढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप फ्री एंड बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे, जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के साथ ये आपको एक परफेक्ट टूल देगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के देगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्कल बना के देगा। इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ ये टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, लेकिन जब शिफ्ट बनाता हूँ तो सारे एंगल बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, जो एक एंगल है वही दूसरा एंगल भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से ही ये भी एक स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में लाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा और घटा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इस तरीके का शेप आपको बनाना है, जिनको हम षटभुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज कहते हैं, अगर इनमें जरूरत पड़ जाए तो किस तरीके से हम इनकी भुजाओं की संख्या को बड़ा और घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप किस में आएंगे, एलिमेंट में आएंगे। एलिमेंट में आने के बाद आपको ये मिलेगा पॉलीगन सेटिंग। क्या मिलेगा दोस्तों, पॉलीगन सेटिंग। पॉलीगन सेटिंग में आते ही आपको देखिए दो तीन चीजें मिलेंगी, नंबर ऑफ साइड और स्टार्ट इंच। अब देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स बजा रहा हूँ। जैसे कि मुझे नंबर ऑफ साइड्स यहाँ टोटल कितनी है, मान लो मुझे करनी है यहाँ पे 9, तो नंबर ऑफ साइड्स मैंने 9 कर दी। और 9 करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इसके एंगल्स को भी बढ़ा देता हूँ, और देखो नंबर ऑफ, और जैसे ही ओके करूंगा आप देखेंगे ये स्टार की शेप में आपके सामने आ जाएगा। बाकी का आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं और पूरा दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है आपको इमेज का, लेकिन ये सारी अब चीजें उससे अभी पहले थोड़ा सा हम और देख आपको लेते टाइम हैं लगेगा किस सीखने तरीके में। से एक लाइन को बनाने के बाद उसकी साइज को बढ़ाना, घटाना, विड्थ करना, हाइट वाइट सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, और लाइन को सिंपली मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इसको खींच के ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं सबसे पहले किस में जाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले जाऊंगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको फिल का, तो अभी फिल का ऑप्शन हम यूज नहीं करने वाले हैं। फिल का ऑप्शन हम यूज लेते हैं कहीं पे भी हम रेक्टेंगल सर्कल वर्कल बनाते हैं तब। अगर हम बात करेंगे एक्स स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दो तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, कस्टम है, नन है, हेयर लाइन है, और नीचे आपको अलग अलग पीटी के हिसाब से आपकी लाइन साइज आ रही है, किस तरीके की मोटी लाइन आप लेना चाहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया 6 पे क्लिक, अब मैं 4 पे करता हूँ, थोड़ी सी और ये पतली हो जाती है। आप समझ रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को। इस तरीके से आप यहाँ से इसको भी एडजस्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके की लाइन आपको बनानी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो फिल में देखिए आपको पहले से कुछ ऑप्शन है, कलर ब्लैक ही रहेगा 100%, लेकिन स्ट्रोक आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर कोई अगर दूसरा चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। ओवर प्रिंट, रिजर्व, इसकी मतलब ओपेसिटी कितनी रखनी है। अभी 100% है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ 75% करके ओके कर दूंगा तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है अरेंज का ऑप्शन। अब अरेंज का जो ऑप्शन है ना, इसको सीखने के लिए हमें क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कैसे देखना पड़ेगा दोस्तों, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं। साइज को छोटा क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाया है ना, और इसको फिल कर रहा हूँ। इसको फिल किस में करूँगा, ये कर दिया, ठीक है, ब्लैक कलर से इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, फिल कर दिया। क्या कर दिया, ब्लैक कलर से फिल कर दिया। एक और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, या इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, इसी को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं वापस से फिल में जाऊंगा, और फिल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके की लाइन से फिल कर लूंगा। अब आपको फिल भी समझ में आ गया होगा कि फिल जो वर्क है वो किस तरीके से काम करता है, या मैं इसको इस तरीके की लाइन सेलेक्ट कर लूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ये वाला है ना, ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्लैक वाला ऊपर आए और ये वाला नीचे चले जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो वही एलिमेंट में जाके आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद, सॉरी सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, सेलेक्ट करना है और अरेंज। अरेंज के अंदर देखो चार ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक और सेंड टू बैक। ये चार ऑप्शन आपको, शॉर्टकट भी अलग ही इनकी हैं, लेकिन जब हम एडवांस सीख रहे होंगे तब हम इन शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल माउस से काम करना सीख रहे हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ। आपने ब्रिंग टू फ्रंट किया और देखिए क्या हुआ, आप समझ गए होंगे, लास्ट में जो पॉलीगन था, सॉरी रेक्टेंगल था, वो ऊपर आ गया। इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते वक्त कोई भी चीज़ है, चाहे वो रेक्टेंगल है, कोई इमेज है, कोई और वर्क है, उसको ऊपर नीचे खिसकाना है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाइए, और एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ।
और दो लोगों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाऊंगा और इनको क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद आप देख रहे होंगे ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ क्लिक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप हो गए। अगर मैं इनको अनग्रुप करना चाहता हूँ तो वापस से जाऊंगा और इनमें क्या कर दूंगा, अनग्रुप कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, अनग्रुप कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो आज हम सिखाने वाले हैं, जिनमें हम अगला ऑप्शन सीखेंगे। अब जैसे कि कोई एक्सेल की फाइल है, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया। ठीक है दोस्तों, एक सॉरी एक और चीज रह गई है, लॉग फाइल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को लॉग कर रहा हूँ। पहले तो इनको ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया और एलिमेंट में गया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इनको लॉक कर रहा हूँ, लॉक पोजीशन। अब जैसे ही मैं इनकी लॉक कर दिया ना पोजीशन, आप देखेंगे ये चीज़ें यहाँ से हिल नहीं रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये लॉक का निशान आ जाता है। लॉक का निशान इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो ये काम आता है लॉक पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा सा किसी भी एक्सेल में बनाए हुए डाटा को यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करो। मान लो आपने कोई टेबल बनाई, तो एमएस अगर पेज, अगर पेज मेकर में आप टेबल बनाने लग गए, तो पेज मेकर में टेबल बनाते बनाते आप इतने परेशान हो जाएंगे कि टेबल की लाइनें खींचो, कॉलम बनाओ, रो बनाओ, तो वो सारी चीज़ें आप करते करते परेशान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक्सेल में कोई भी टेबल बनाने लेनी है। अब एक्सेल में टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एमएस एक्सेल ओपन कर लूँगा। अभी मैं केवल इंग्लिश वाले फॉन्ट की टेबल आपको बनाना सिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इनके कुछ नंबर्स दे देता हूँ। एक तरीके से ये मेरी टेबल बन गई। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लिया। एम एस एक्सेल वाले आप मेरे पार्ट देख रहे होंगे, वहाँ से सीख गए होंगे कैसे सेलेक्ट करना है। इसको कंट्रोल सी करूँगा और कॉपी कर लूँगा सिंपली बस। और क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, किलता मिलता है दोस्तों, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है। और ये आपसे पूछेगा आपको पेस्ट स्पेशल करना कहाँ से है, रिच डॉक्यूमेंट करना है, विंडोज करना है, बिटमैप करना है, लेकिन मुझे करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट से। और जैसे ही मैं ओके करूँगा, आप देखेंगे कि वो टेबल है जो आपके सामने आ चुकी है। अब आप कहेंगे सर इस टेबल में लाइनें तो आई नहीं थी, तो सर मैंने यहाँ लाइनें खींची नहीं थी इसलिए नहीं आई। मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको बॉर्डर को खींच रहा हूँ और बॉर्डर खींचने के बाद सिंपली यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद एडिट में जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, सर्कल करूंगा और ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे लाइन भी आ चुकी है। अब आप देखेंगे ये पूरी एक टेबल के रूप में आई है। अब आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको एक्सेल पे लेके चला जाएगा और आप एक्सेल पे जाने के बाद ही इसमें एडिट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक पेज मेकर की तरह इसमें एडिट नहीं कर सकते। हाँ, इसकी साइज को भले ही अपने अनुसार आप बढ़ा और घटा सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन उससे पहले आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते। तो ये तो बात हुई एक टेबल इंसर्ट करने की, मैंने इमेज इंसर्ट करना आपको सिखाई दिया किस तरीके से इमेज इंसर्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई लगभग लगभग पेज मेकर में, सारे पॉइंट मैंने आपको जितने की जरूरत थी वो सिखा दिए हैं। हालांकि कुछ और अभी एडवांस लेवल के टूल हैं जिनमें आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सर्च करना, फाइंड करना, फिर उसको रिप्लेस करना, इंडेंट लगाना, बुलेट्स लगाना, वो भी सारे वर्क जो एक एम एस वर्ड के अंदर होते हैं वो सारे आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ और ऑप्शन आपके सामने रह जाते हैं, जिसमें अभी तो आपको ये एक्सपर्ट ट्रैकिंग है, ओरिजेंटल स्केल है, ये सारी चीज़ें, पैराग्राफ, इंडेंट है, ये सारी चीज़ें अभी आपको और देखने को मिलेंगी, टेक्स्ट ब्रैपिंग है। इसके बाद इंडेक्स एंट्री में हम कुछ सीखेंगे, थोड़ा सा कलर भी देखेंगे, किस तरीके से व्यू को कुछ चीज़ें अगर गायब हो जाती है तो उनको किस तरीके से लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन धीरे 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 हम सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। और अगर आपने हमारे सारे वीडियोज़ देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं देखें तो कृपया देखें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इतना सा तो फर्ज बनता है हमारा आपसे कहने का कि आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम भी आगे तभी आपको अपने आप को कंटिन्यू रख पाएंगे आप लोगों के लिए, जब आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा और विश्वास के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगले एपिसोड में।